हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज का हमारा जो टॉपिक जो पहले से ही चल रहा है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम उसको, रागों का समय सिद्धांत। इसके तीन पॉइंट मैंने आपको पहले करवाए थे, स्वर संयोग से समय निर्धारण, दूसरा था इसका मध्यम के प्रयोग से समय निर्धारण, और तीसरा जो था वो था वादी संवादी से समय निर्धारण। देखिए, मैंने आपको जिस दिन ये पहली दिन जिस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, तब मैंने आपको बताया था कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टूडेंट से बहुत कम गलती होती है, लेकिन गलती होने के चांसेस भी है। और जो सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो पहले इसके तीसरे और चौथे पॉइंट, ये इन दोनों पॉइंटों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग जो है, इनका जो समय है वो एक जैसा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाला पॉइंट यहाँ लिखना है या वो वाला पॉइंट वहां पे लिखना है, वादी संवादी से लिखे या पूर्वांग उत्तरांग का लिखे। तो चौथा वो पॉइंट हमारा आज जहां से हम शुरू करेंगे वो है पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग। पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि पूर्वांग क्या होता है, उत्तरांग क्या होता है, यानी जो हमारी सप्तक है जो दो अंगों में बटी है वो है पूर्वांग। जो पहला जो भाग है वो पूर्व भाग और दूसरा जो है उत्तर भाग, तो उसको पूर्व वाले को हम कहते हैं। सप्तक को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व अंग में और उत्तर अंग में, और जो 24 घंटे हमारे दिन के उनको भी दो भागों में बांटा गया है, और उनको बांटने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध की जो टाइमिंग होती है वो दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक होती है। दूसरा होता है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध की जो टाइमिंग होती है वो रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक होती है। सारी बातें मैंने आपको जब वादी संवादी से समय निर्धारण करवाया था तो मैंने आपको बताया था। आज के इस टॉपिक में, आज के इस पॉइंट में भी टाइमिंग यही रहेगी कि उनका गायन समय दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक होता है। तो लेकिन एक बात सबसे बड़ी सोचने वाली ये है कि आपको इसका टाइमिंग भी वही है जो हमने पहले वाले पॉइंट में लिखा था, अब गलती कहां पे होती है, हम ये भूल जाते हैं या ये हमें याद नहीं रहता या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, वादी संवादी से समय निर्धारण, इस पॉइंट में जो रागों का समय निर्धारित कर रहा है, रागों का जो समय फिक्स कर रहा है वो राग का वादी स्वर है, वादी स्वर के यहां पे उसका समय निर्धारित हो रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट है पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग, इस पॉइंट में पूरा का पूरा अंग, एक बार फिर से समझ लीजिए, सा रे ग मा पा धा नी और सा, ये हमारे स्वर हैं। तो पहला तो अंग है पूर्व अंग जो होता है सा से लेकर के पा तक होता है, ये पूर्वांग कहलाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। और मा से लेकर के ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरांग कहलाता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राग का वादी स्वर अकेला स्वर, कि राग का वादी स्वर सप्तक के जिस भी अंग में होगा राग उसी अंग का कहलाएगा, और उसकी जो टाइमिंग होगी वो दिन का जो साइकिलिंग है, जो चक्र है 24 घंटे का, उसके पहले भाग में आएगा या दूसरे भाग में आएगा वो। यदि राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग में है तो वो राग भी दिन के पहले भाग में गाया जाएगा, और यदि यानी पूर्वार्ध भाग में गाया जाएगा, और यदि राग का वादी स्वर उत्तरांग में है, सप्तक के उत्तरांग में है, तो वो राग भी दिन के उत्तर भाग में यानी उत्तरार्ध में गाया बजाया जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहां पर जो टाइम जो डिसाइड कर रहा है, जो टाइम फिक्स करके लेके आ रहा है, वो राग का वादी स्वर है, इकलौता स्वर है जिसने राग का टाइम फिक्स किया है। लेकिन आज का जो पॉइंट है पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग, इसमें जो समय निर्धारित कर रहा है वो पूरा का पूरा अंग, यानी पूरा अंग, ये जो पूर्व अंग जो है सा से लेकर के पा तक इस पूरे अंग का रोल है, इस अंग में जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों का रोल है, और या फिर उत्तर अंग या उत्तर अंग में जितने भी स्वर हैं वो सारे मिलकर के उस राग का समय निर्धारित करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि जिन रागों का पूर्व अंग ज्यादा प्रबल होता है या जो राग सप्तक के पूर्व अंग में ज्यादा गाए बजाए जाते हैं वे पूर्वांग प्रबल राग कहलाते हैं। एक बार फिर से समझिए, पूर्वांग प्रबल राग, प्रबल राग में प्रबल में मजबूत, यानी राग का कौन सा अंग मजबूत है, वो कौन से अंग में सबसे ज्यादा गाया बजाया जा रहा है, या सप्तक का कौन सा अंग है कि राग में सबसे ज्यादा बार बार यूज में लाया जा रहा है,
कि वो दूसरे अंग में जा ही नहीं रहा है, गायक या कोई भी गायक या वादक होता है, तो कौन से अंग का प्रयोग सबसे ज्यादा कर रहा है उसका, कौन सा अंग सबसे ज्यादा मजबूत है, तो वो कहलाता है उसका प्रबल। यानी अगर पूर्व अंग प्रबल है, पूर्व अंग में राग ज्यादा गाया बजाया जा रहा है, इस अंग का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, तो उस राग का पूर्व अंग प्रबल है, और यदि उत्तर अंग ज्यादा यूज हो रहा है तो वो उत्तर अंग ज्यादा प्रबल है। ये इस पॉइंट का मीनिंग होता है पूर्वांग उत्तरांग प्रबल राग। तो चलिए फिर से बताता हूं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि जिन रागों का पूर्व अंग ज्यादा प्रबल होता है या जो सप्तक के पूर्व अंग में ज्यादा गाए बजाए जाते हैं वे पूर्वांग प्रबल राग कहलाते हैं। उन रागों का गायन समय कोई दिन का पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का जो टाइम होता है वो होता है दिन के 12 से, दिन के 12 से रात के 12 तक, रात के 12 तक। और उत्तरार्ध जो होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो इससे आगे रात के 12 से, रात के 12 से दिन के 12 तक, इस तरह इनको डिवाइड किया गया 24 घंटों को। तो जिन रागों का पूर्व अंग ज्यादा प्रबल होता है या सप्तक के पूर्व अंग में ज्यादा गाए बजाए जाते हैं वे पूर्वांग प्रबल राग कहलाते हैं, तथा उनका गायन समय दिन का पूर्वार्ध अर्थात दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक होता है। फिर आता है जिन रागों का उत्तर अंग ज्यादा प्रबल होता है या जो सप्तक के उत्तर अंग में ज्यादा गाए बजाए जाते हैं वे उत्तरांग प्रबल राग कहलाते हैं, तथा उनका गायन समय दिन का उत्तरार्ध अर्थात रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक होता है। तो देखिए इनकी जो टाइमिंग है वो सेम है वादी संवादी से, वहां पे जो टाइम डिसाइड करा था वो इकलौता वादी, यानी राग का वादी स्वर सप्तक के जिस अंग में होता है वो राग का उसी अंग का कहलाता है, और उसका गायन समय दिन का पूर्वार्ध, यानी राग का वादी स्वर पूर्व में है तो राग दिन के पूर्वार्ध में गाया जाएगा, और वादी स्वर उत्तर में है तो जो वो राग वो है वो रात के उत्तरार्ध में गाया जाए, दिन के उत्तरार्ध में गाया जाए सॉरी। और यहाँ पर पॉइंट क्लियर होता है कि पूरा का पूरा अंग, यदि जिस राग का पूर्व अंग ज्यादा प्रबल है तो वो दिन के पूर्वार्ध में गाया जाएगा, यानी दिन के 12 से रात के 12 तक, और यदि उत्तरांग ज्यादा प्रबल है तो वो रात में गाया, दूसरे अंग में गाया जाएगा, यानी उत्तरार्ध में गाया जाएगा रात के 12 से लेकर के दिन के 12 बजे तक। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में यदि कई गलतियां होती है तो वो एकमात्र यही दो पॉइंट है जहां पर, क्योंकि इनकी टाइमिंग सेम है, हम भूल जाते हैं कि उत्तरांग पूर्वांग प्रबल है या पूर्वांग उत्तरांग वादी है, ये दोनों शब्दों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण, ऋतुओं के अनुसार अनुसार समय निर्धारण, ऋतुओं के अनुसार समय निर्धारण। देखिए जब क्वेश्चन मैंने शुरू किया था पहले दिन, जब पहला पॉइंट हमने शुरू किया था, जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने आपको बताया था हर राग को गाने का एक निश्चित समय होता है, प्रत्येक राग अपने निश्चित समय पर गाया जाए तो वो ज्यादा आकर्षक होता है, ज्यादा हमें आनंद प्रदान करता है, हमारा जो मनोरंजन बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है, यानी स्वरों के अंदर वो ताकत है, वो जो है उसकी टाइम पे यदि गाया जाए ना तो हमारी जो फीलिंग्स है ना उनको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है, उनको प्रस्तुत कर पाता है। तो मैंने उसी तरह आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी राग हैं जो एक विशेष ऋतु में गाए बजाए जाते हैं, एक सीजन होता है, एक मौसम होता है उनका गाने का, उनके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। आपने अब तक देखा होगा हर राग को गाने का टाइम है, कोई 3 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक गाया जा रहा है, कोई 7 से 10 गाया जा रहा है, उस ड्यूरेशन में कोई ना कोई तो उसका टाइम आता है, किसी का 10 बजे का ही टाइम है, किसी का 11 बजे का ही टाइम है, लेकिन जो ऋतुओं में गाए बजाए जाते हैं राग उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो राग उस ऋतु में ही गाए बजाए जाएंगे और उस ऋतु में वो कभी भी गाए बजाए जा सकते हैं। किसी भी कला का मुख्य उद्देश्य होता है ना वो होता है अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और संगीत का भी वही उद्देश्य है, संगीत भी एक कला है, और संगीत हम सुनते हैं जिससे हमारी जो भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस हो पाती है, संगीत के माध्यम से कलाकार बताता है कि वो कैसा फील कर रहा होता है। जहां बात फीलिंग की आती है तो देखिए हर सीजन की फीलिंग अलग होती है, हर ऋतु की फीलिंग अलग होती है, बसंत ऋतु की फीलिंग अलग होती है, वर्षा ऋतु की फीलिंग अलग होती है, शरद ऋतु की फीलिंग अलग होती है,
उसी प्रकार गर्मी की जो फीलिंग है वो अलग होती है। जो आज गर्मी में जो जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम सर्दी में फील नहीं करते हैं, और जैसा सर्दी में फील करते हैं वैसा हम बारिश में फील नहीं करते। तो बारिश की अपनी एक फीलिंग है, अपनी एक भावना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन रागों का सहारा लिया जाता है। वो उन रागों को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि कुछ ऐसे राग होते हैं जो विशेष ऋतु में गाए बजाए जाते हैं। ऋतुकालीन राग होने के कारण उन रागों को 24 घंटों में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। जैसे बसंत राग, जैसे राग बसंत, ये बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। बसंत ऋतु में। और एक होता है राग मेघ, आपने सुना होगा, ये वर्षा ऋतु में ही गाया बजाया जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो विशेष ऋतु में गाए बजाए जाते हैं, ऋतुकालीन राग होने के कारण उन्हें 24 घंटे में कभी भी गाया बजाया जा सकता है। जैसे राग बसंत बसंत ऋतु में, और राग मेघ वर्षा ऋतु में ही गाया बजाया जाएगा, तभी ये उस समय की भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं या कर पाएंगे। चलिए अब लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का जो हमारा है वो है गीत के अर्थ के आधार पर। गीत के अर्थ के आधार पर, आधार पर समय निर्धारण, गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण। देखिए मैंने कभी बताया था पहले टाइम फर्स्ट वीडियो जब बनाया था इस टॉपिक का, तो मैंने बताया था कुछ, जब मैंने सारे पॉइंट एक साथ लिखे थे और वन बाय वन मैंने उनके बारे में आपको बताया था, तो जो लास्ट जो पॉइंट आता है उसमें बताया था कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो जो गीत या जो गाने जिस राग में गाए बजाए जा रहे हैं तो उनमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें प्रातःकाल या दिन का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, या कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनमें रात्रि काल के समय का वर्णन होता है। तो इस पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि गीत के अर्थ के आधार पर समय निर्धारण, जिन गीतों में प्रातःकालीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे राग हमेशा प्रातःकाल में ही गाए बजाए जाएंगे, उनका जो गायन वादन समय जो होगा वो प्रातःकाल का होगा। और जिन गीतों का में रात्रिकालीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे राग हमेशा रात्रि काल के समय में ही गाए बजाए जाएंगे। एक गाना है जब भोर भये पनघट पर, तो आप इसकी लाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर प्रातः काल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यानी ये जो गाना है ये उसी राग में गाया बजाया जाएगा जिसका गायन समय प्रातः काल का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस पूरे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लस टू के सिलेबस का, मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको जरूर देखिए। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन उतना इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। आप इन दोनों पॉइंटों को समझ गए, दूसरे और तीसरे को, पहले को ही समझ गए तो दूसरा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो ही गया, और तीसरा समझ गए तो चौथा आपको याद हो गया। इन दो पॉइंटों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो कि आपकी समझ में ना आए। उम्मीद करता हूँ इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और इसको याद करेंगे। फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग आपको एग्जाम में मिलता ही रहता है। तब तक थैंक यू वेरी मच।